नमस्कार, सवेरे इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हुए नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचारों पर। सांगली में रामानंद नगर के आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज का सिल्वर जुबली वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़े ही धूमधाम से सम्पन्न हुआ। सांगली में रामानंद नगर के रयत शिक्षण संस्थान के आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज में सिल्वर जुबली वार्षिक पारितोषक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में प्रमुख अतिथि के तौर पर भारतीय विश्वविद्यालय के कार्यवाह डॉक्टर विश्वजीत कदम मौजूद रहे। साथ ही कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुरेश सालुंखे की अध्यक्षता में सम्पन्न हुए इस समारोह में जिम खाना प्रमुख प्रोफेसर संदेश दोड़े, प्रोफेसर सुरेश पाटिल, प्रोफेसर अरविंद ओनकर, छात्र प्रतिनिधि शुभांगी नलावड़े, अनिल जाधव और कई गणमान्य व्यक्तियों ने इस समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर डॉक्टर विश्वजीत कदम ने कहा कि देश के जाने माने रयत शिक्षण संस्थान में शिक्षा के साथ स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जा रहा है। इस कॉलेज में बॉक्सिंग जैसे खेल का भी बेहतरीन तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है। ग्रामीण इलाके में होकर भी इस विद्यालय को नैक की ओर से ए ग्रेड मिलना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। महाराष्ट्र के सांगली से अशोक पवार की रिपोर्ट। हमीरपुर के एक महाविद्यालय में मेधावी छात्र सम्मान समारोह एवं बुंदेली फाक महोत्सव का आयोजन किया गया। वही 60 छात्रों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। हमीरपुर के बीवार कस्बा स्थित ठाकुर हरपाल सिंह मेमोरियल कन्या महाविद्यालय में मेधावी छात्रा सम्मान समारोह एवं बुंदेली फाक महोत्सव आयोजित हुआ। वही मुख्य अतिथि राज क्षेत्र के विधायक मनीषा अनुरागी ने माँ सरस्वती की प्रतिमा में दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महाविद्यालय में 60 प्रतिष्ठान से अधिक अंक पाने वाले सभी वर्ग की 60 छात्राओं को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रशस्ति पत्र देने के बाद अपने संबोधन में विधायक ने महाविद्यालय की प्रशंसा करते हुए कहा कि विद्यालय द्वारा ये अनियंत्रित ही सराहनीय कदम उठाया गया है। इस कार्यक्रम में विजय पाल सिंह भदौरिया, विपिन त्रिपाठी, देवेंद्र द्विवेदी, सुनील व्यास, बीरू सिंह सहित विद्यालय की छात्राओं एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन पर महाविद्यालय प्रबंधक शंकर सिंह भदौरिया ने सभी अंगतों को आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से हरिमाधव मिश्रा की रिपोर्ट। इलाहाबाद में एक ट्रक ने गेट पर तैनात चौकीदार को टक्कर मारी, वही चौकीदार की हालत गंभीर बनी हुई है। इलाहाबाद जिले के घूरपुर थाना के समीप एक ट्रक ने चौकीदार को टक्कर मारी, जिसे जख्मी हालत में इलाहाबाद पर रेफर किया गया। मामला घूरपुर थाना का है, जहां पर चौकीदार रात को सो रहा था और उसी दरमियान ट्रक ने खड़ी ट्रक में टक्कर मारी, जिससे ट्रक का टायर फट गया। उसके बाद कुछ ही दूर पर थाने के गेट के समीप चौकीदार सो रहा था, जो कि उठकर बैठा। जैसे ही वो उठकर बैठा तो देखा कि ट्रक सामने से आ रही थी। उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन तब तक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरीके से जख्मी हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल भेजा गया। हालांकि खबर लिखे जाने तक चौकीदार की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बहराइच में बच्चों ने बाल अधिकार यात्रा निकाली, वही एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया को भी सीखा। बहराइच में बच्चों ने बाल अधिकार यात्रा निकाली और एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया को सीखा। बहराइच मुख्यालय से दूर 110 किलोमीटर जंगलों से घिरे 25 गांव के 250 से अधिक बच्चों ने बाल अधिकार यात्रा रैली निकाली, जिसे देहात संस्था के मुख्य कार्यकारी डॉक्टर जितेंद्र चतुर्वेदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यकर्ता कृष्ण कुमार पाठक ने नेतृत्व में बच्चों ने बाल अधिकार जागरूकता रैली फकीरपुरी, बदरिया, रामपुर, विशुनापुर, बिछिया होते हुए सुजोली थाने तक निकाली, जिसमें बच्चों के चारों अधिकारों जीवन, सुरक्षा, विकास और भागीदारी तथा बच्चियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया, जिसमें अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां इस क्षेत्र के लोग पिछड़ेपन के कारण अनजान हैं, इन अभावों के बीच बाल अधिकार यात्रा के माध्यम से लोगों में बच्चों के अधिकार भेदभावों को दूर करने की अलग देहात बाल अधिकार मंच जगा रहा है। इसके बाद में बच्चों ने थाने का भ्रमण किया, जिसमें थाना अध्यक्ष अफसर परवेश पर बच्चों को एफआईआर के बारे में बताया। फिर बच्चों ने कारागार का भ्रमण किया। इसके बाद संस्था के सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण कुमार पाठक ने पुलिस और बच्चों की मित्रता की शपथ दिलाई, जिसमें बच्चों ने शपथ ली कि हम किसी भी कानून विरोधी गतिविधियों के होने पर पुलिस को अवगत कराएंगे और पुलिस ने वादा किया कि हम उचित कार्रवाई करने के साथ जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखेंगे तथा एक दूसरे का सहयोग करने को कहा। उत्तर प्रदेश के बहराइच से मोहम्मद माजिद की रिपोर्ट। लेते एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। चांदनी का चौक है ये, रविंद्र का सेतु है, मरीना का बीच है,
ये आजाद का मैदान है। ए खड़े सिंह दा मार गया। चित्रंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। रामपुर में एक 14 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसे सामूहिक बलात्कार करने का मामला सामने आया है। आइए दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के रामपुर में महिलाओं के साथ आए दिन होती वारदातों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हैवानियों के दिल से कानून का खौफ खत्म हो गया है, जिसके चलते वह दिन दहाड़े महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बलात्कार जैसी वेश्यत करने पर आमदा है। कानून को ताक पर रखकर दिन दहाड़े पुलिस को चुनौती देते हुए ये अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री की महिला को सशक्त बनाने की और कानून व्यवस्था को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने वाले वायदे की पोल खुल रही है। मामला थाना शाहबाद के जगेसर गांव का है, जहां बीती 15 तारीख को पढ़कर आ रही नाबालिग को रोककर उसको मुंह पर कपड़ा डालकर 4 दरिंदे उठाकर गाड़ी में डालकर ले गए, जिसके बाद दरिंदों ने पीड़िता को मेरठ ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और 3 दिन बाद पीड़ित को वापस उसके गांव छोड़ चारों आरोपी फरार हो गए। लड़की गई थी पढ़न गई थी, फिर 2 बजे हुई छुट्टी के बाद आए, जो एक लड़का रास्ते में था चौराहे पत्ता एक, वहाँ पर जो है लड़की मेरा पकड़ ली उसने और उसने सुधर कपड़ा डाल दिया मुँह पे, फिर उसको ले गए थे। अगला चल के तो 3 और मिल गए थे, वो तो गाली में डाल के ले गए। तो क्या गांव के ही रहने वाले हैं? नहीं, दूसरे गांव के हैं। क्या किया आपकी लड़की के साथ? बलात्कार। कितने लोगों ने किया? 4 ने। 4 लोग? 4। तो मुकदमा कायम करवा दिया आपने? हाँ, मुकदमा करवाया। कितने लोगों के खिलाफ? 4 के। कितनी उम्र होगी लड़की की आपकी? लड़की होगी 14-13 साल की। पढ़ती है लड़की? हाँ, लड़की पढ़ती है। कौन सी क्लास में? 9th में। स्कूल जा रही थी सुबह के टाइम, फिर मतलब सुबह के टाइम स्कूल जाने के बाद उन्होंने 2 किलोमीटर गए थे, तो फिर उन्होंने वैन में बैठा कर मेरठ ले गए अपनी दीदी घर। फिर उन्होंने गलत काम किया, गलत काम करके वापस घर छोड़ने आए हमारे टाइम, फिर थाने में रिपोर्ट किया, नाम भी लिखवाए उन्होंने। क्या क्या नाम? पान सिंह, संजय, मुनेंदर, सुहास। तो अभी तो कोई कार्रवाई हुई है इनके ऊपर? कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9th। फिलहाल पीड़िता के अनुसार मामले को संज्ञान लेते हुए 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, वही पीड़ित नाबालिग का मेडिकल कराया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी आखिर कब तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब होगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सुरेश कुमार दिवाकर की रिपोर्ट। सिरोही में पत्रकार मनोज अग्रवाल के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर राज्य मंत्री देवासी शिवगंज पहुंचे, जहां उन्होंने वायरल हुए ऑडियो मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट शिवगंज ब्लॉक के मनोज अग्रवाल अध्यक्ष निर्वाचित होने पर राज्य मंत्री देवासी ने शिवगंज पहुंचकर अग्रवाल का साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर देवासी ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र के अग्रवाल कई वर्षों से निष्पक्षता से जुटे हुए हैं। वहीं महिलाओं पर की गई भद्दी टिप्पणी के वायरल ऑडियो को लेकर महिला एवं बाल विकास समिति की सदस्य एवं पूर्व पार्षद बबीता अग्रवाल ने विरोध प्रकट किया। इस पर राज्य मंत्री देवासी ने ऑडियो को राजनीतिक से प्रेरित बताते हुए कहा कि जिला प्रमुख पायल परसाराम पुरैया मेरे बेटी जैसी है, उसके लिए ऐसे शब्द नहीं कहे हैं। इस दौरान उपस्थित पत्रकारों ने वायरल ऑडियो को लेकर राज्य मंत्री से सवाल जवाब किए, जिसका राज्य मंत्री देवासी ने संतोषजनक जवाब दिया। इस दौरान राशन डीलर संघ के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने राशन विक्रेताओं की समस्याओं से देवासी को अवगत कराया, जिस पर देवासी ने समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर भाजपा जिला महामंत्री दिनेश बिंदल, वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल परिहार, छगन मीना, मितेश अग्रवाल सहित भाजपा नेता उपस्थित रहे। राजस्थान के शिवगंज से जितेंद्र वैष्णव की रिपोर्ट। बुरहानपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर एक ऐतिहासिक और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
बुरहानपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की ऐतिहासिक और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस भी मुख्य रूप से शामिल हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर निकाली गई इस भव्य शोभा यात्रा में मराठी और पंजाबी कला संस्कृति में प्रयुक्त होने वाले ढोल ताशों के साथ श्रृंगारित बहुविध कलाकार भी सहभागी हुए। इसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र पंजाब का जट्टा और मुंबई की शिव ब्रह्मांड ढोल ताशा ध्वज पतक रहा। शोभा यात्रा में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी और शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र को झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट। तरनतारन में सेहत विभाग की टीम ने सिविल प्रशासन और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई कर एक क्लिनिक पर छापेमारी की। वही क्लिनिक से महिलाओं का गर्भपात कराने का सामान व पाबंदी शुदा दवाइयां बरामद हुई। तरन तारण में सेहत विभाग की टीम ने सिविल प्रशासन और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक नर्स के क्लिनिक पर छापेमारी कर वहां से गर्भपात करने का सामान बरामद किया। तरन तारण के मोहल्ला गुरु का खू में अनधिकृत रूप से क्लिनिक चला रही एक नर्स के बारे में सिविल सर्जन कार्यालय को शिकायत मिल रही थी कि वह अपने घर में अनधिकृत रूप से महिलाओं की डिलीवरी करती है और क्लिनिक में महिलाओं का गर्भपात भी किया जाता है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जब सेहत विभाग की टीम ने छापेमारी की तो उन्हें क्लिनिक में महिलाओं का गर्भपात करते समय दी जाने वाली दवाइयां, टीके, दस्ताने व अन्य सामान बरामद हुआ, जिसे सेहत विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उक्त नर्स पिछले कई समय से अपने घर में ही कथित रूप से महिलाओं की डिलीवरी और गर्भपात का कार्य करती आ रही है। तरन तारण के सिविल सर्जन डॉक्टर शमशेर सिंह ने बताया कि उन्हें मोहल्ला गुरु का खूम एक नर्स द्वारा अनधिकृत रूप से चलाए जा रहे और क्लिनिक के संबंध में शिकायत मिली थी। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਮਿੱਤਰੀ ਕੋਈ ਨਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਂਡਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਰਭਪਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡੀ ਐਫ ਪੀ ਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨਮੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਰਭਪਾਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੋਂ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ ਸਮਿੱਤਰੀ ਕੋ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਿਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਕਲੀਨਿਕ ਪਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀ ਤਾਂ ਵਹਾਂ ਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਵ ਮਹਿਲਾਓਂ ਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲਾ। ਮਹਿਲਾ ਨਰਸ ਕੇ ਪਾਸ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। मुमताज ज़वेरी इंडिया लाइव न्यूज़ मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज़ में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। मुमताज ज़वेरी को दीजिए इजाजत, लेकिन आपसे चलते चलते गुजारिश मिलती है अनुरोध, अगर आपके इलाके में कोई घटना घटित हुई है या आपके पास कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इंडिया लाइव न्यूज चैनल @gmail.com पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in पर। नमस्कार।